मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है। और यह सुनकर शिष्यों का हृदय शोक से भर जाता है, क्योंकि लगभग 3 सालों तक यीशु शिष्यों के साथ थे, गुरुवर बनकर नहीं बल्कि एक मित्र की तरह। और हम पवित्र बाइबल में यह स्पष्ट रूप से देखते हैं। हम सभी के जीवन में भी ऐसे समय आते हैं जब हमें किसी से बिछड़ना होता है, किसी को अलविदा या विदाई देना होता है, या फिर कोई हमें छोड़कर चले जाते हैं। पर सबसे कठिन समय वह होता है जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, और यह सभी दुख दुखदाई होते हैं। शिष्यों ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था, पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों के दुख को समझते हुए तथा उन्हें समझाते हुए उनसे कहते हैं, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। प्रिय मित्रों, किसी के हमसे दूर जाने पर या उनसे बिछड़ने पर उनकी मृत्यु से हमें दुख तो बहुत होता है, पर यह सभी ईश्वर की इच्छा से होता है। ऐसे पलों को भुलाना आसान नहीं होता, और ऐसे पलों के साथ जीना भी दुखदाई होता है। तो हमें चाहिए कि ऐसे पलों को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करें, उनमें सकारात्मकता की भावना को ढूंढने का प्रयास करें। ईश्वर हमें इन दुखों के द्वारा मजबूत बनाते हैं। किसी का दूर जाना अक्सर एक नए जन्म, नए जीवन का मार्ग तैयार करती है। यीशु अपने मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा के रूप में अपने शिष्यों के साथ थे, और उन्हें असीम शक्तियों से भर दिया। वही पवित्र आत्मा आज भी हम में मौजूद है, और हमें हमारे दुखों से लड़ने की शक्ति देता है। वह हमें ऐसे क्षणों में प्रभु की प्रेमपूर्ण उपस्थिति का आश्वासन देता है, ताकि हमारे दुख में भी हम आनंद का अनुभव कर सके, जो कि पवित्र आत्मा का ही वरदान है। तो आइए हम भी अपने दुखों से सीखने और उसे भूलकर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।